नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस विशेष सीरीज फास्ट टेक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन एनवायरमेंट समिट से रिलेटेड प्रमुख प्रश्न संग्रह पर आज हम चर्चा करेंगे। लेट वी स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सुमेलित नहीं है, इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, बी ऑप्शन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, सी पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लस 5 1997 और डी ऑप्शन है कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे पहले देखें इसमें सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि बाकी जो ऑप्शंस दिख रहे होंगे वो बाकी तीन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो लेट वी चेक, इसे कैसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था, और अगर आपको पूछा जाए पहला जलवायु विश्व जलवायु सम्मेलन तो वो जेनेवा में हुआ था 1979 में। ओके, तो पहला तो सही है। आप देखते हैं दूसरा, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यस 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था और यहीं से आपका एजेंडा 21 की उत्पत्ति हुई थी। ओके, तो बी भी सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लस 5 1997, दोस्तों इसे क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी सही मैच्ड है, और इस प्रकार देखेंगे डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा जो करेक्टली मैच नहीं है। कार्बन व्यापार या कार्बन ट्रेड की उत्पत्ति क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डायरेक्टली रिलेटेड विद ओजोन लेयर कंजर्वेशन, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ओके, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से रिलेशन है इसका। ठीक है, पहला है जैव सुरक्षा से, दूसरा जलवायु परिवर्तन से, तीसरा वायु प्रदूषण से, चौथा ओजोन क्षरण से। क्या होगा इसका सही आंसर? यस, इसका सही आंसर होगा बी, जलवायु परिवर्तन से। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जनरली कन्फ्यूजन होता है, आप याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन से रिलेटेड है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो है आपका ओजोन परत संरक्षण से संबंधित। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। वर्ष 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, और क्योटो कहाँ पे है? जापान में एक शहर है क्योटो, वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन में से एक हुआ था, और इसका सही आंसर इस प्रकार क्या है, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कम टू द थर्ड क्वेश्चन, कार्टाजीना प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से, जैव सुरक्षा समझौते से और प्रदूषण से। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा जलवायु परिवर्तन संबंधित क्या है, क्योटो था। ठीक है, ओजोन परत से क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो अब प्रदूषण और जैव सुरक्षा बच गया, प्रदूषण से संबंधित कोई ऐसा सम्मेलन नहीं है जो ऑटोमेटिकली उसी के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो, ओजोन हो, ये सब एक्चुअल में पर्यावरण से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं ये प्रदूषण से ही को ही टारगेट करते हैं, तो अलग से उसके लिए कोई विशेष सम्मेलन नहीं है। तो जैव सुरक्षा समझौता इसका सही आंसर है, जो बायो सेफ्टी से संबंधित प्रमुख एक सम्मेलन हुआ था कार्टाजीना। ठीक है, कार्टाजीना सम्मेलन वर्ष 2000 में हुआ था, और यह इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, इसमें क्या था कि जो जितने भी जीव हैं, जितने जो जीव हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कुछ ऐसे प्रतिबंध या नियम बनाए गए थे जिसका पालन कार्टाजीना जो प्रोटोकॉल है या कार्टाजीना सम्मेलन है उसके अंतर्गत होता था या वहाँ से इनिशिएट हुआ था। इस प्रकार वो जो प्रतिबंध या नियम बने हुए आज भी उतने ही फ्रिक्वेंसी के साथ लागू होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जैव सुरक्षा से संबंधित यानी कि जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित है, 1, 2, 3 दिया हुआ है आपको, इसमें स्टेटमेंट में ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, उसके सामने डर्बन जलवायु सम्मेलन, दूसरा है स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या CDM कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल,
और कार्बन क्रेडिट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें आपको सही चीज़ कौन सा है देखना है। ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 1, 3, 2 और 2 और 3। ठीक है, देखिए ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट श्रेणी में भी कई बार आ जाता है, अदरवाइज अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ें तो सरल प्रश्न है। ठीक है, देखिए ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है। ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी कि जितने भी कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मेंबर्स हैं उनमें विकसित, विकासशील और अल्प विकसित और कम विकसित या कम विकासशील क्षेत्र वाले देश हैं। ठीक है, अब इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF का मतलब ये है, एक ऐसा फंड हम रेज करेंगे, स्थापित करेंगे, जिसका विकास, जिसमें एक फंड, एक निधि होगी और वो पैसे का प्रयोग हम किस में करेंगे, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए करेंगे, कहना चाहिए पर्यावरण सुरक्षा के लिए करेंगे, पर्यावरण के प्रति हम अपनी उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना वास्तव में मैक्सिको सिटी कानकुन सम्मेलन के अंतर्गत हुई थी, ना कि डरबन। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। अब पहले वाले ऑप्शन वाले में देखिए ए और बी दिया है, तो ए और बी ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन बचा है सी और डी। तीसरा स्टेटमेंट आप देखते हैं या दूसरा देखते हैं आप, स्वच्छ विकास क्रियाविधि CDM। दोस्तों स्वच्छ विकास क्रियाविधि का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक हमारे पास एग्रीमेंट बना हुआ था या कहना चाहिए एक नियम बने थे, तो वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही बना था वर्ष 1997 में। ठीक है, और इस प्रकार सेकंड स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट जो है, देखो कार्बन ट्रेड हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, वो किससे संबंधित था, वो क्योटो प्रोटोकॉल से, और कार्बन क्रेडिट भी दोस्तों वो भी संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से, ना कि मॉन्ट्रियल से। ओके, इस प्रकार चौथे क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ओनली 2। 1 और 3 क्या है, गलत हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP25 आयोजित कहाँ हुआ था। अगर आप देखेंगे इस सम्मेलन के काफ़ी पूर्व जो हमारे समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में या बुक किताबों में आपको दिखेगा कि COP25 जो है एक्चुअल में सेंटियागो चिली में प्रस्तावित था। ठीक है, विरोध प्रदर्शनों और चिली सरकार की असमर्थता के बाद अंतिम समय में ही इसका स्थान चेंज कर दिया गया। ठीक है, वो स्थान कौन सा है आप देखते हैं। ऑप्शन आर सेंटियागो चिली तो नहीं होगा क्योंकि वहीं से परिवर्तन हुआ था, मनीला फिलीपींस, मैड्रिड स्पेन, डी डरबन साउथ अफ्रीका। क्या होगा इसका सही आंसर। यस, इसका सही आंसर है मैड्रिड, जो स्पेन की राजधानी है वहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर दिया गया था। दोस्तों आपको बता दूँ ये कुछ ही समय पहले ही, मतलब वो सम्मेलन के कुछ समय पहले ही यह अंतिम समय में यह निर्णय लिया गया और स्पेन से स्थानांतरित की गई। ठीक है, तो आपका जो है सी इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 29 दिसंबर, 5 जून, 16 सितंबर और 22 मई। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है 22 मई। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसमें 29 दिसंबर को लेके कई बार आपको कन्फ्यूजन होगा, तो दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ कि सब जब ये एक्चुअल में इसका उद्गम कब हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 1 से हुआ था यानी 1992 से हुआ था, और हमने क्या किया कि पृथ्वी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि हम विश्व बायोडाइवर्सिटी डे हम मनाएंगे, और उस समय क्या था कि 29 दिसंबर को ही मनाया जाता था। 29 दिसंबर वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता था, कब, वर्ष 2001 तक। ठीक है, 2001 के बाद क्या है, इसे जो है चेंज कर दिया गया 22 मई को। ठीक है, तो ये कुछ किताबों में ऐसा दिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 22 मई को ही आपको टिक करना है, चाहे राष्ट्रीय पूछा जाए चाहे अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए। ठीक है, 22 मई इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका 5 जून क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, आपको बता दूँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि विश्व पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन जब हुआ था वो 5 जून 1972 को ही हुआ था, और उसी दिवस की याद में हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद 16 सितंबर क्या है, विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। भारत में जैव विविधता अधिनियम
किस वर्ष हुआ था, देखिए 2000, 2002, 2010 और 2005। क्या है इसका सही आंसर? भारत में वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था और हम इसे लागू किए थे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर सम्मेलन किस संरक्षण से संबंधित है? ठीक है, शुष्क भूमि, वन भूमि, इसके बाद थर्ड ऑप्शन देखिए जैव ईंधन या नम भूमि। दोस्तों ईरान का शहर है रामसर, रामसर में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था जो वेट लैंड या नम भूमि से संबंधित था। ठीक है, 1971 में ये हुआ था। ओके, क्या है नम भूमि या वेट लैंड, ये समझ लीजिए। अगर आप इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में अगर आप देखे होंगे तो इन्वायरमेंट में एक काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है इकोसिस्टम, और उससे डायरेक्टली प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो उससे संबंधित क्या है प्रमुख तथ्य है? दोस्तों चाहे जली इकोसिस्टम हो या लैंड इकोसिस्टम हो, कहने का मतलब ये है अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं और सभी इकोसिस्टम की अपनी एक विशेषता होती है, और उस विशेषता में से एक प्रमुख है उनमें खाद्य श्रृंखलाएँ क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। अगर कहीं पर भी आप उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हो यानी बीच में आप उस चेन को तोड़ देते हो तो हमारा पर्यावरण या इकोसिस्टम प्रभावित होता है। तो जली इकोसिस्टम और स्थलीय इकोसिस्टम दोनों के बीच का एक पार्ट आता है नम भूमि क्षेत्र, यानी कि ऐसा क्षेत्र जैसे रामसर सम्मेलन में जो इसके लिए जो पैरामीटर सेट किए गए थे, जो शर्तें दी गई थी, उसमें ये था कि ऐसा आर्द्र भूमि वह हो सकता है जो मैंग्रोव क्षेत्र हो सकता है, एस्टुरी क्षेत्र हो सकता है, झील वाला क्षेत्र हो सकता है, जो कृत्रिम भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। ठीक है, तो उन क्षेत्रों को हम क्या है रामसर साइट पे हम रखेंगे, रामसर स्थल में हम उसे लिस्टेड करेंगे। और यह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ पे स्थलीय इकोसिस्टम और जल इकोसिस्टम दोनों के बीच में का एक मिश्रण होता है और काफ़ी जो है बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिच होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण और समृद्ध एरिया होता है। तो ऐसे जल के एरिया जो जिसकी गहराई 6 मीटर से कम है वो सभी जो हैं आपके इस रामसर स्थल में आ जाते हैं। तो झील वगैरह भी आ जाते हैं जैसे चिल्का लेक हो गया, ठीक है, वेम्बनाड लेक हो गया, ठीक है, कोलेरू लेक हो गया, ठीक है, सांभर लेक हो गया, ये सभी जो हैं भी इसमें आ जाते हैं। ओके, आपको बता दूं इसमें क्या है रिसेंटली जो है सुंदरवन को ऐड किया गया है वर्ष 2019 में, जो क्या है मैंग्रोव क्षेत्र है जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो नम भूमि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल हैं? ठीक है, ऑप्शन वह इसमें दिए हुए हैं वन कृष्णा डेल्टा, दो गोदावरी डेल्टा, तीन सुंदरवन और फोर केवला देव। केवला देव क्या है आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और आपको बता दूं इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो मैंने तो इससे पहले ही स्टेटमेंट दे दिया था कि सुंदरवन को वर्ष 2019 में शामिल किया गया था, तो तीन वाले देखिए आप तो ऑलमोस्ट सभी में है तीन। ठीक है, इसका आंसर होगा कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा रामसर साइट में नहीं आते, सुंदरवन को वर्ष 2019 में शामिल किया गया था और केवला देव नेशनल पार्क जो है यह रामसर साइट में उल्लेखित है। भारत में वर्तमान परिदृश्य में देखें तो 27 रामसर साइट हैं, रामसर स्थल हैं जो नम भूमि क्षेत्र के अंतर्गत शुमार हैं। तो आंसर क्या होगा बी 3 और 4। ठीक है, उसके बाद देखिए 10th नंबर का, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और नैरोबी। कहाँ पे इसका? दोस्तों इसको ऐसा याद रखिएगा, स्टॉकहोम समिट जब हुआ था 1972 में, उसके बाद उसका अगला सम्मेलन हुआ था नैरोबी में। ठीक है, और वहीं से ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी कहाँ पे है? केन्या में स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईची लक्ष्य का संबंध है ए सतत विकास लक्ष्य से, बी जलवायु परिवर्तन लक्ष्य से, सी प्रदूषण नियंत्रण से और डी जैव विविधता लक्ष्य से। सतत विकास लक्ष्य से संबंधित एजेंडा 21 है, जलवायु परिवर्तन लक्ष्य ऐसा कुछ नहीं है जिसको अलग नाम दिया गया, अल्टीमेटली इसे जलवायु परिवर्तन से ही हम जोड़ देते हैं, प्रदूषण नियंत्रण भी ऐसा ही है और जैव विविधता लक्ष्य इसका सही आंसर होगा।
दोस्तों 20 ऐसे अद्यतन जैव विविधता लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ अल्पकालीन हैं, कुछ मध्यमकालीन हैं, कुछ दीर्घकालीन हैं। तो भारत को भी और अन्य जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि मेंबर सदस्यों को इसमें इस लक्ष्य का पालन करने के लिए हमने बाध्य किया हुआ है, यानी कि इस पृथ्वी सम्मेलन के दौरान या कहना चाहिए इसे बाध्य किया गया था। तो आईची लक्ष्य जो है वहीं से निर्धारित किए गए थे। जैव विविधता लक्ष्य है भारत को, अभी जैसे हाल ही में एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 12 जो अल्पकालीन वाले हैं उनमें से 8 हम हासिल कर चुके हैं, कुछ और हासिल करने की ओर तेज़ी से अग्रसर हैं, और बाकी दीर्घकालीन वाले भी कुछ उसमें शुमार हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी, जैव विविधता लक्ष्य। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th नंबर का सुमेलित है। पृथ्वी सम्मेलन 1 1992 स्टॉकहोम, पृथ्वी सम्मेलन 2 2002 डरबन, पृथ्वी सम्मेलन 3 2012 जोहान्सबर्ग। इसमें आपको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? इनमें से कोई नहीं, कोई भी इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए, आप ईयर देखेंगे तो सुमेलित है, बट उसका स्थान जो है वो गलत है। पृथ्वी सम्मेलन 1 हुआ था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में, वर्ष 1992 ही था। पृथ्वी सम्मेलन 2 था वर्ष 2002, इसका स्थान था जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका में है। पृथ्वी सम्मेलन 3 अगेन हुआ था रियो डी जेनेरो में, जो ब्राज़ील में है। ओके, और इस प्रकार इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित है, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। कोप 13 CMS गांधीनगर गुजरात 15 से 20 फरवरी 2020, कोप 15 CBD कुनमिंग चीन अक्टूबर 2020, कोप 15 UNCCD नई दिल्ली 2 से 13 सितंबर 2019, और कोप 25 UNFCCC मैड्रिड स्पेन 2 से 13 दिसंबर 2019। क्या है ऑप्शन सर? ओनली 4, 3, 4, 1, 2, 3 और ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी लिया है। क्या होगा इसका सही आंसर? थोड़ा सा आपको, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको बता दूं, ये इस साल का वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहली बात तो देखिए, सभी में वर्ष 19 और 20 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये करंट अफेयर्स से संबंधित है। और दूसरा इसका एंगल ये है कि हम कोप COP अगर बोल देते हैं तो कोप 25 सिर्फ जलवायु वगैरह को मत समझा करिए। एक्चुअल में क्या है, पृथ्वी सम्मेलन से 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी। एक था जलवायु से संबंधित, दूसरा सतत विकास से संबंधित, और तीसरा क्या था आपका, डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण से संबंधित। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको याद रखना क्या है, और बायोडाइवर्सिटी भी था इसमें, है ना। तो इसमें क्या है, याद क्या रखना है कि जो सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी तो उनका सम्मेलन का एक वो स्टार्टिंग फेज था, उसके बाद क्रमशः वो आगे बढ़ते गया। जैसे कि कोप 25 फोर्थ नंबर का अगर देखेंगे तो मैड्रिड स्पेन है, और हमने कुछ इससे पहले वाले प्रश्नों में ही देखा था कि सेंटियागो चिली से यह ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ चला गया था, मैड्रिड जो स्पेन की राजधानी वहाँ स्थानांतरित हो गई थी। तो कोप 25 UNFCCC का मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कोप 25 की मीटिंग हुई थी 2 से 13 दिसंबर स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो फोर्थ तो सही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखिए, कोप 15 UNCCD। दोस्तों हाल ही में इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्पीच दिए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, इन्हें इसमें दिया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण के विरुद्ध ये कन्वेंशन हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 15वीं मीटिंग थी और इसका स्थान था भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, और जो डेट है 2 से 13 सितंबर वो भी बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 दोनों सही हैं। तो 3 और 4 वाले ऑप्शन बी और सी दिख रहा है, और डी भी है। अब सेकेंड नंबर को देखिए, कोप 15 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 15वीं मीटिंग, CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी मीटिंग जो प्रस्तावित है अक्टूबर 2020 में चीन के शहर कुनमिंग में। ठीक है, चीन के शहर कुनमिंग में ये प्रस्तावित है। ठीक है, इट इज़ प्री डिसाइडेड, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोप 13 जो है CMS
जो है 15 से 20 फरवरी यानी कि रिसेंटली अब आने ही वाला है वो काफ़ी, वह क्या है आपका गांधीनगर गुजरात, ठीक है। CMS का मतलब कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जो क्या होता है माइग्रेटरी क्या होता है, जो माइग्रेट करके जाते हैं अप्रवासी होते हैं, जैसे कि ठंड के दिनों में भारत में चिल्का लेक हो गया या भरतपुर लेक हो गया, इन लेक में क्या होता है जो प्रवासी पक्षियां हैं वो माइग्रेट करके आते हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय जब हम देखते हैं जो नॉर्थ पोल वाले एरिया में, कहना चाहिए जो साइबेरियन एरिया में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है और वहाँ से स्पीसीज़ जो है माइग्रेट करके आते हैं, ठीक है। तो ऐसे और ये तो एक एग्जांपल हुआ, वैसे और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए क्या है कन्वेंशन होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे एग्जांपल अगर देखेंगे कि हम देखते हैं केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क में क्या है वो वेटलैंड है, हमने इससे पहले वाले प्रश्नों में देखा है, तो वहाँ पर माइग्रेटरी स्पीसीज़ वहाँ पर भी आते थे, बट वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है नष्ट होने के कारण अब जो है धीरे धीरे वहाँ पर उनकी संख्या कम होती जा रही है। चिल्का लेक अगर देखें तो वहाँ पे भी प्रदूषण के कारण क्या है अब जो है थोड़ा सा माइग्रेटरी स्पीसीज़ के नंबर्स जो हैं प्रभावित हो रहे हैं। तो इस प्रकार उनसे संबंधित ये है गांधीनगर गुजरात में वर्ष 2020 में यह प्रस्तावित है। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों सही सुमेलित हैं, इस प्रकार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ पाए होंगे आप। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़े बनाए, मैच द फॉलोइंग, जेनेवा प्रोटोकॉल, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, बेसल कन्वेंशन, पारा मरकरी के उपयोग से संबंधित नियम, वियना कन्वेंशन, जहरीली रासायनिक गैसों और हथियारों पर प्रतिबंध संधि, मिनीमाटा सम्मेलन, डी ओजोन परत संरक्षण फ्रेमवर्क, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि यह क्या क्या है, इसे किस प्रकार सॉल्व करें, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना कई बार ट्रिकी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रिकी मेथड से काफ़ी ज़रूरी होता है और सॉल्व भी हो जाता है, ठीक है। देखो, जेनेवा प्रोटोकॉल जो बना था एक्चुअल में जहरीली रासायनिक गैसों से संबंधित था, ठीक है। जेनेवा प्रोटोकॉल जो है यह क्या बना था, जहरीली रासायनिक गैसों और हथियारों पर प्रतिबंध संबंधित था। यह हुआ था वर्ष 1925 में, ये काफ़ी पहले हुआ था, ठीक है। बेसल कन्वेंशन जो बना था, बेसल कन्वेंशन 1989 में हुआ था और यह संबंधित था खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित, यानी कि कहना चाहिए जो खतरनाक अपशिष्ट हैं, जहरीले हैं, उनको अपशिष्ट का जो है प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, प्रॉपर प्रबंधन किया जाए, उससे संबंधित है। तो बी ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बी क्या है, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए सी नंबर का। और उसके बाद देखिए वियना कन्वेंशन, आपको पता है वियना कन्वेंशन ओजोन परत से संबंधित 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं, पहला वियना था, दूसरा मॉन्ट्रियल था और तीसरा क्या था, किगाली था, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन ओजोन परत संरक्षण फ्रेमवर्क कन्वेंशन था, तो आपका सी सही है। मिनीमाटा संबंध है पारा या मरकरी से, वो टॉक्सिटी यानी विषाक्तता के कारण ऐसा जो है मिनीमाटा डिसीज़ होता है उसे संबंधित है, ठीक है। और आपको बता दूं कि मिनीमाटा सम्मेलन जो भी हुआ था इसे संबंधित था, ठीक है। उसके बाद देखिए, विश्व का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, इससे पहले वाले प्रश्नों में हम डील कर चुके हैं इसे, तो बहुत आसान है इसका आंसर, स्टॉकहोम, डी, ठीक है, डी स्टॉकहोम में वर्ष 5 जून 1972 में विश्व मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। उसके बाद देखिए 16 नंबर का, इनमें से किसका संबंध ओजोन परत संरक्षण से है, 1 नागोया प्रोटोकॉल, कार्टाजिना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, वियना सम्मेलन, किगाली समझौता। जस्ट इससे पहले कुछ मिनट पहले ही मैं डिस्कस किया था कि ओजोन परत से संबंध 3 महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन हैं या ओजोन परत संरक्षण संबंधित ये तीनों ही महत्वपूर्ण जो है सम्मेलन है। पहला उसमें है क्या है, वियना सम्मेलन, जो ओजोन परत का क्या है फ्रेमवर्क कन्वेंशन कहलाता है, यानी कि वहाँ से वो स्टार्ट हुआ था ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कौन से वर्ष हुआ था, वो हुआ था, ईयर अगर आप इसमें नोट करेंगे
तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वर्ष 1987 में हुआ था, और दोस्तों मैं बता दूं क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर प्रतिबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लगा था, ठीक है। उसके बाद किगाली समझौता हुआ था, और किगाली समझौता क्या था, बेसिकली जब हम देखते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बाकी चीज़ों पर हम प्रतिबंध तो लगा चुके थे, किंतु किगाली समझौते में हमने ग्रीन हाउस गैसों को भी शामिल किया कि यह ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट है, यानी ओजोन परत संरक्षण के लिए यह भी हम इसे शामिल करेंगे, यानी कि यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, हमें ग्रीन हाउस गैसों को भी अब शामिल करना होगा, ठीक है। यह किगाली समझौते में हुआ था, वर्ष 2016 में हुआ था। अच्छा, इसमें अब डील करते हैं कि नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। आनुवांशिक स्रोतों से संबंधित यह क्या है, प्रोटोकॉल है। आनुवांशिक स्रोतों का कहने का मतलब यह है कि जितने भी जेनेटिक जो होते हैं एक्सपेरिमेंट होते हैं, वह एक्सपेरिमेंट के बाद उससे होने वाले प्रभावों दुष्प्रभावों का न्याय उचित तरीके से प्रबंधन, ठीक है। वो क्या था, नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है, आनुवांशिक स्रोतों से संबंधित। कार्टाजिना हमने देख लिया था, जैव सुरक्षा से संबंधित, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है जीवों का उससे संबंधित प्रतिबंध या संधि था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका मैंने बता ही दिया ओजोन से है। क्योटो प्रोटोकॉल स्टार्टिंग में देखे तो ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन या आपका जलवायु परिवर्तन से है। वियना सम्मेलन ओजोन परत संरक्षण का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। किगाली समझौता वर्ष 2016 में रवांडा एक कंट्री है वहाँ पे हुआ था, जो जहाँ का जो सिटी का नाम है किगाली, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ऑप्शंस दिख रहे होंगे 1, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 6, वैसे तो स्टार्टिंग से ही समझ जाएंगे कि ओजोन वालों को आप अलग कर दो तो आसानी से आंसर आ जाता है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 3, 5 एंड 6, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस समझौता के बारे में सही कथन है, तो उसमें क्या है, देखिए दिसंबर 2015 में पेरिस समझौता COP21 मीटिंग के दौरान हुआ था। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से नीचे रखना है। भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर 22 अप्रैल 2016 में किए, और यूएसए पेरिस समझौता से अलग होने वाला एकमात्र देश है। तो पहला देखिए, डी सबसे आसान है, ठीक है, उपरोक्त सभी। क्यों आसान है, देखिए यूएसए इससे अलग हो गया है, ठीक है। तो अब ए वन, ए और बी तो ऐसे ही हटा दो, अब बचता क्या है, सी और डी। उसके बाद क्या है, आप देखेंगे सेकेंड नंबर का स्टेटमेंट देखिए, इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर ग्रोथ को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री से नीचे रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट या यस एग्रीमेंट हुआ था। ऐसा इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इससे हम ऊपर चले जाएंगे, जैसे कि अभी की स्थिति में ऐसा क्या था कि अगर हम इस सम्मेलन को लागू नहीं करते हैं जो वर्ष 2020 के बाद बाध्यकारी हो जाएगा, तब हम करीब करीब 3 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापमान वृद्धि को हम हासिल करेंगे, जो काफ़ी विध्वंसकारी या विनाशकारी होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण एग्रीमेंट लागू किया गया था, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है किसी भी हाल में, ठीक है। हालांकि यूएसए ने अपना नाम वापस ले लिया है आफ्टर कमिंग डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये फैक्ट्स को आप दोबारा से रिवाइज करिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, एजेंडा 21 की उत्पत्ति किस सम्मेलन से हुई थी। एजेंडा 21 की उत्पत्ति किससे हुई थी, रियो 1 यानी रियो सम्मेलन, रियो प्लस 10 सम्मेलन, रियो प्लस 5 सम्मेलन, रियो प्लस 20 सम्मेलन, ठीक है। अगर आप देखें रियो समिट जो हुआ था वर्ष 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन 1 भी इसे कहते हैं, यहीं से ही क्या है, एजेंडा 21 की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों आपको बता दूं कि 5 महत्वपूर्ण दस्तावेज रिलीज किए गए थे, उसमें से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज यही था, ठीक है। क्या क्या था, रियो समिट था, वन सिद्धांत था, ठीक है, सतत विकास से संबंधित था, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित था, ठीक है। और इस प्रकार ये प्रश्न जो देख रहे होंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। एजेंडा 21 एक्चुअल में वर्ष 2021, वर्ष 2020, वर्ष 2019 या ये जो भी देख रहे हैं आप, एक्चुअल में यह 21वीं सदी है, और 21वीं सदी को हम पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख
जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो विध्वंसकारी हैं, विनाशकारी हो सकते हैं, इन परिवर्तनों को रोकने के लिए हमने एजेंडा 21 को स्थापित किया। और वर्ष 1992 में ही 5 महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक यह दस्तावेज था। और एक्चुअल में इसमें 40 ऐसे अध्याय हैं, वह जो है सभी क्या है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या है, रियो सम्मेलन ए इसका सही आंसर होगा। ओके, वर्ष 1992, ठीक है, वर्ष 1992 के बाद 10 वर्ष अगर जोड़ दो तो क्या होता है, वर्ष 2002, ये पृथ्वी सम्मेलन 2 है। और उसके बाद 20 साल अगर जोड़ दो तो वर्ष 2012 होता है, वह पृथ्वी सम्मेलन 3 है। वह रियो प्लस 5 भी अगर दिया है तो वह एक्चुअल में क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल है। ओके, और आज का सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नम भूमि हेतु रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किए गए थे। अगर आप सेशन को केयरफुली देखे होंगे तो इसका आंसर आसानी से बता पाए होंगे। वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में क्या हुआ था, नम भूमि संरक्षण सम्मेलन वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था वर्ष 1971 में। 1972 में क्या हुआ था, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए थे। और वापस से बता दूं, भारत में ऐसे कितने रामभूमि क्षेत्र हैं, 27 रामभूमि क्षेत्र हैं जिसको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि रामसर सम्मेलन में जो वेटलैंड एरिया है उनके लिए जो पैरामीटर है कि ऐसा कोई भी रामभूमि, दलदली क्षेत्र, झील वाले क्षेत्र, कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, वह क्या है, 6 मीटर से जिसकी गहराई नीचे 6 मीटर से ज़्यादा गहराई नहीं होगी, वो सब क्या हैं, आपको वेटलैंड के अंतर्गत आते हैं। और वर्ष 2019 में जो है सुंदरवन को, जो मैंग्रोव एरिया है, इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। और वर्ष 2002 में चिल्का लेक को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंतर्गत रामसर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, आई होप ये महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह आप एंजॉय किए होंगे। और इन प्रश्नों को आप केयरफुली देखिए, सॉल्व करिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह हैं। ओके, थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।